एन अरेंजमेंट ऑफ द थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कैरिंग द सेम करंट आई. तो यहां पर भी आई करंट है, आई, और यहां पर भी आई करंट है, और यहां पर भी आई करंट है. ठीक, अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, सभी में करंट क्या है, आउट ऑफ द पेज, सेम डायरेक्शन में है. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर एफ बी विल बी. क्लियर, तो एफ बी पर हमें क्या पता करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है. तो डेफिनेटली बी वायर के ऊपर सी भी फोर्स लगा रहा होगा और ए भी फोर्स लगा रहा होगा. बी और सी के बारे में बात करें तो दोनों कैसे हैं, दोनों आउट ऑफ द पेज है, और दोनों में जो करंट है वो भी आउट ऑफ द पेज है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि अट्रैक्शन का फोर्स लगाने वाला है. तो मैं यहां पर फोर्स लिख देता हूं, फोर्स ड्यू टू सी. और ए और बी के बारे में बात करें तो ए भी बी पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है. तो ये हो जाएगा एफ ड्यू टू ए. ठीक, वैल्यूज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ड्यू टू सी मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी ड्यू टू वायर सी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड बाय 2 पाई टी. म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड बाय 2 पाई टी. किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहां पर मेंशन करके दिखाई हुई है. फोर्स ड्यू टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. क्लियर, और डेफिनेटली ये कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है. तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहां कहीं ना कहीं होगा एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट यहां कहीं ना कहीं होगा. तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर. क्लियर, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर. तो एफ आर फोर्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर मींस म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी का होल स्क्वायर. दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, आपस में 90 डिग्री पर है. तो हम लोग लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा रूट टू म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. क्लियर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई डी. और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा. तो दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इनका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और नेट फोर्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर. क्लियर, तो रिजल्ट आएगा ऑप्शन सी.